नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलित। आप देख रहे हैं जलित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में ही। जियो में जब आउटगोइंग आप कॉल करेंगे किसी अदर नेटवर्क में तो आपको लगेंगे 6 पैसे। तो यहां आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो ये आया होगा कि भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे तो नहीं लग रहे, मेरा तो जैसा था वैसा ही है। तो क्या जियो ने अपना प्लान को वापस ले लिया, क्या कुछ है इस वीडियो में, इसी के बारे में हम जानेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आप वीडियो के एंड में जरूर, पूरा देखने के बाद वीडियो को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ बात यह है कि दिवाली के मौके पर हर कंपनी कुछ ना कुछ नए ऑफर देती है अपने ग्राहकों को, लेकिन यहाँ जियो ने एक सदमा दे दिया अपने यूजर्स को। फ्री का मतलब, फ्री का मिसाल हम दिया करते थे जियो के नाम पर, लेकिन अब जियो में भी फ्री नहीं रहा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जियो का ये कहना है कि पिछले 3 साल से जब भी कभी आप किसी अदर नेटवर्क को कॉल करते हैं तो उसके लिए जियो उन कंपनियों को पैसे देता है 6 पैसे। अदर का मतलब है जैसे कि जियो से आप कॉल करते हैं आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, किसी को भी कॉल करते हैं। और ये रूल आइडिया, बीएसएनएल या वोडाफोन अपने हिसाब से वो नहीं ले रही, ये ट्राई का रूल है। ट्राई का ये रूल है कि आप जब किसी अदर नेटवर्क को कॉल करोगे तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो का कहना है कि हम लगभग 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए दे चुके हैं हमारे यानी कि अपने कस्टमर्स के अदर नेटवर्क को कॉल करने के लिए। शुरुआत में जब जियो आया था, मैं आपको बता दूं, आप जब किसी अदर नेटवर्क में कॉल करते थे तो नहीं लगता था कॉल, क्योंकि जियो का एंट्री जो है वो कुछ धमाकेदार एंट्री थी। फ्री का मतलब कुछ नहीं था, डाटा 2 GB के लिए आपको लगते थे 200 रुपये पूरे महीने के लिए। अब यहाँ क्या, दिन के 4 GB मिलने लगे, अनलिमिटेड फ्री कुछ दिन चला, 4 GB मिलने लगे, फिर 2 GB मिलने लगे, तो बाकी सारी कंपनियों को यहाँ सदमा लगा। तो जाहिर सी बात है, उनका धंधा जो वो चौपट होने वाला था, तो उनको लगा कि भाई जियो को हम अपने नेटवर्क में घुसने नहीं देते उनके कॉल्स, तो हो सकता है लोग जियो में नहीं जाएंगे, लोग हम पर ही, हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं चला ज़्यादा दिन, ट्राई के कुछ नए रूल्स आए जिसके बाद ऐसा वो लोग नहीं कर सकते थे, अब उनको भी अपने नेटवर्क में कॉल इनकमिंग देना ज़रूरी था। तो ऐसा कुछ चलता रहा, फिर जियो में काफ़ी सारे लोग जुड़ने लगे, बहुत अच्छा लगा। इंडिया जो 50-60 नंबर पर था डाटा यूसेज के मामले में, वो अब पहले नहीं, US से ज़्यादा डाटा यूज होने लगा इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जियो के वजह से ही ये सारा कुछ हो पाया है। तो अब जियो का ये कहना है कि IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज, यानी कि जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉल करते हैं तो ये IUC जियो को लगता है। अब ये IUC चार्ज जियो खुद अपने जेब से ना दे करके वो लेगा कस्टमर से, यानी कि अब आपको देने होंगे जब आप किसी अदर नेटवर्क में कॉल करेंगे तो 6 पैसे। अब जियो का यहाँ ये भी कहना है कि हम इससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, 13,000 करोड़ रुपये ऑलरेडी हम दे चुके हैं लोगों को, क्योंकि 5G में हमें इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे काम है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर हम घाटे में चल जाएंगे, तो वगैरह वगैरह। और जियो का ये भी कहना है कि अगर हम घाटे में जाएंगे तो फिर लोगों को हम बेनिफिट्स कहाँ से दे पाएंगे। तो एक 6 पैसा 1 मिनट के लिए कहीं कोई ज़्यादा रकम नहीं है, ज़्यादा बड़ा रकम नहीं है। अगर इसी पैसे को जियो सिर्फ ना देकर के लोगों में बांट लिया जाए तो ये बहुत बड़ा रकम लोगों के लिए नहीं होगा। अब यहाँ सवाल ये है कि ये अभी अदर नेटवर्क में कैसे हम कॉल कर रहे हैं तो लग रहा हमारा, तो सबसे बड़ा बात यहाँ ये है, ये जो टर्म एंड कंडीशंस है कि आपका जो पहले से रिचार्ज है जब तक वो चलेगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्लान है आपका वो चल रहा है जब तक, तब तक आपके लिए सब कुछ फ्री है। यानी कि हाल ही में जिन्होंने रिचार्ज कराया है वो ज़्यादा बेनिफिट है उनको। तो वो प्लान जब ख़त्म होगा, यानी कि 10 अक्टूबर से आप जो भी कोई रिचार्ज कराएंगे उन रिचार्जेस पर आपको लेना होगा एड ऑन, यानी कि ये जो टॉप अप वगैरह 10 रुपये के अगर आप लेते हैं तो उसमें 1 GB मिल जाएंगे, साथ में मिनट्स मिल जाएंगे IUC के लिए। तो ये सब चीज़ें अब चलने वाली हैं। जियो में हम हमेशा सुनते थे फ्री फ्री फ्री, लेकिन अब जियो में हमेशा एक टेंशन रहेगा, IUC नाम का ये वर्ड जो है जियो यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा खटकने वाला है। अब आपके मन में ये एक सवाल आ सकता है कि आज तक जब फ्री था, जो फ्री चल रहा था, तो अब उसको अचानक से चार्ज करने का क्या जरूरत था? अगर चार्ज करना ही था तो शुरू से ही जियो हमें बता देती कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको बता दूँ, जियो ने ट्राई से कॉन्टैक्ट किया था इस बारे में, तो ट्राई का कहना था कि 1 जनवरी 2020 से ये जो IUC चार्ज है वो नहीं लगेगा यूजर्स को, यानी कि अब कोई भी अदर नेटवर्क पर आप कॉल कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रोवाइडर जो है पैसे नहीं देंगे 6 पैसे, ये फ्री होने वाला था। इसलिए जियो इस उम्मीद में था कि चलो भाई कुछ दिन तक सही हम अपने हाथ से पे कर देते हैं और कस्टमर्स को जो फ्री का जैसा है वैसा चलने देते हैं। लेकिन अब यहाँ ट्राई की तरफ से एक अपडेट आया है कि ये हो सकता है 1 जनवरी जो है तब ये जो 6 पैसे ही 6 पैसे चलते रहेंगे, ये फ्री नहीं होगा।
तो ऐसे में मजबूरन जियो का कहना है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। हम अगर अपने यूजर्स को खुश रखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, बेनिफिट्स देना चाहते हैं, तो ये जो 6 पैसा है हमें लेना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 5G वगैरह वगैरह बहुत कुछ हमारा आने वाला है। तो अब यहाँ पे ये सवाल है, क्या ये जो IUC चार्ज है वो ट्राई हटाएगा या रखेगा? तो इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस पर आने वाले दिनों में और कुछ मीटिंग्स होने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है ये हट जाए और हो सकता है ये रहे। अगर ये रहता है, जियो का कहना है अगर ये रहता है तो हम चार्ज करेंगे, अगर हट जाता है तो फिर से हम जैसा था वैसा कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो इसका ये मतलब है आज से यानी कि 10 अक्टूबर से जो भी कुछ आप रिचार्ज करेंगे, जैसे कि 399 349, जितने सारे जो प्लान्स थे, वो प्लान का वैलिडिटी, उस प्लान्स में मिलने वाले बेनिफिट्स सब कुछ वैसे ही रहेंगे, सिर्फ उसमें बदल जाएगा कुछ। तो आप जब अदर नेटवर्क को कॉल करेंगे तो ऐसे में आपको 6 पैसे देने होंगे। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, उसके लिए आपको टॉप अप कराना होगा, जिसमें कि 10 रुपये आता है, 20 रुपये आता है। तो यहाँ जियो ने आपको तसल्ली देने के लिए 10 रुपये के साथ में 1 GB डेटा भी दे दिया है। अगर आप 10-10 के 2 कराते हैं तो उसमें 2 GB डेटा मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, बस मुझे लगता है कि हम लोग तो खुश नहीं है, यूजर्स खुश नहीं है, क्योंकि जो अब तक फ्री था उसके लिए चार्ज लगेंगे। तो फिर भी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इससे जुड़ी अगर आपके मन में कोई भी समस्या, कोई भी सवाल है, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब आपको देने के लिए। इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जो है इससे जान सके, समझ सके कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।